सो भाई लोग, क्या हाल है? शाम हो चुकी है, चलो जिम चला जाए। तो धीरे धीरे चलते हैं जिम। उसके बाद आज करेंगे थाई का वर्कआउट, आज करेंगे लेग वर्कआउट, क्योंकि मंडे है और जिस चीज़ को करने में सबसे ज़्यादा अपने को मोहता है सीधी भाषा में, उसको सबसे पहले करना चाहिए। तो चलते हैं और आज करेंगे सबसे पहले लेग वर्कआउट। और पता आपको भी ये कहता हूँ, जैसे देख लो मैं आ रहा हूँ पैदल। इफ़ अगर आपका जिम अगर पास में है ना, कि जैसे 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो मैं तो ये कहता हूँ जितना हो सके, मैं तो कह रहा हूँ जितना हो सके आप उतना पैदल जाओ भाई। सेम चीज़ आपको जिम में भी करनी है। जिम में भी जाके थोड़ा सा कार्डियो करोगे, थोड़ा सा वर्कआउट करोगे अपनी बॉडी को हीट करने के लिए, फिर जाके वर्कआउट करोगे। इससे अच्छा है ना भाई, सीधे ही आप लोग जाओ और सीधे पैदल जाओ आराम से, क्या दिक्कत है? बॉडी भी हीट होगी, वार्म अप भी होगा, फिर वहाँ जाके थोड़ा सा कार्डियो करो, देन वर्कआउट करो, क्या दिक्कत है? नेचुरल हीटअप हो रहा है। और एक वहाँ जाके मशीनों पर करोगे हीटिंग, हीटअप बॉडी को, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। सो चलते हैं जिम। ये आ गया जिम, लेट्स गो इनसाइड। जिम में आने के बाद थोड़ी सी फिर हमने बेसिक स्ट्रेचिंग वगैरह करा, फिर मैंने सोचा थाई वर्कआउट पाकर आज दिखा ही रहे हैं आपको वीडियो में, तो फिर हम बेसिक जो की वर्कआउट पर एक्सरसाइज होती हैं लेग एक्सरसाइजेस करने से पहले, वो मैंने सोचा आपको दिखाई देती हूँ। पहले तो नॉर्मल स्क्वाट्स हैं जिसके हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, और थाई में ये सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा फिर आप देख रहे हो डम सॉरी जो बारबेल है, उस पर कोई लोड नहीं है, क्योंकि पोस्चर जब हम ज़्यादा वेट लेते हैं तो पोस्चर कई बार ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मेक श्योर करना कि जब भी आप बारबेल पे स्क्वाट्स मारने के लिए जाएँ, तो पहले इतना भी वेट है सब हटा के खाली बारबेल लें। इससे ये होगा कि आप क्या आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या पोजीशन है भी, और अगर आपको नहीं पता तो ट्रेनर से ज़रूर पूछ लेना, बिकॉज अगर नहीं पूछोगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत आएंगी। अब जैसे मैं तो चले गया था लेकिन थोड़ी देर के लिए, लेकिन इस भाई को देखो जो एक्सरसाइजेज ये कर रहा है, हार्डली 5 किलो का डम्बल होगा, 5 किलो का डम्बल है, तो थोड़ी सी थोड़ा सा पॉस्चर तो इनका भी हल्का सा आउट है, बट हाँ ठीक है क्योंकि ये अभी नए नए जिम में आए हैं तो थोड़ा सा इनका आउट ऑफ पोस्चर, बट हाँ ठीक है। ये चीज़ें भी आपको प्री वर्कआउट में करनी है, ऐसा नहीं है कि इन वर्कआउट में आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, वर्कआउट के दौरान भी करनी है, बट पहले बिल्कुल कम वेट लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगर एक्सरसाइजेस हो गई हैं, बॉडी वार्म अप हो गई है, तो फिर आप बेटे मान लीजिए अगर आपको तो 40 किलो लेना है, आप 30 किलो लेना है, उतना लगाइए। चलो शुरू करते हैं मेन एक्सरसाइज। तो गाइस जैसा आप देख रहे हो कि मैं तो सिर्फ 40 किलो से ले रहा हूँ, साइड में 10-10 के डंबल हैं, बिकॉज अभी ये स्टार्ट करे हुए थाई का वर्कआउट मुझे ज़्यादा नहीं, 1 महीना भी नहीं हुआ पूरा, इसलिए। अरे भैया कौन हो क्या? अरे भैया तुम भी हटो। चलो हाँ, अब आप ये जो देख रहे हो, थोड़ा सा मैं इसको आगे करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड। तो चलो थोड़ा सा वेट भी हमने बढ़ा लिया है, अराउंड ये 45 किलो हो गई। चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अब भाई लोग जैसा देख पा रहे हो, फुल स्क्वाट कर रहा हूँ, अब देख लो थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, पर हाँ ठीक है, पॉस्चर मेंटेन करने की ट्राई करेंगे। अब वेट ज़्यादा तो ले लिया है, बट ऐसे कैसे छोड़ दें एक्सरसाइज, पूरी तो करेंगे स्क्वाट। अच्छा भाई कर दे तो भाई, देखो एक बात ध्यान रखना, डेथ रैप तक लेके जाना, अगर बस की ना हो तो फिर आना ही मत जिम में, ये करने के लिए था ही तभी उठाना जब प्रॉपर मसल ट्रेन करना सीख जाओ। बीच में मैंने जिम छोड़ दी थी, उसके बाद 4th महीने में मैंने थाई वर्कआउट उठाया,
तो इसलिए उठाया जब थोड़ी सी ट्रेनिंग अच्छे से करने लग गया, वरना फिर वेट बढ़ाने की सोचना ही मत अभी फिलहाल तो। अरे लास्ट वाला रैप तो बिल्कुल डीप में जाके लिया जिससे कि मसल पर लोड पड़े। देख लो थोड़ी सी चाल भी बिगड़ गई है, क्या करें वेट कम करना ही पड़ेगा। अब भाई लोग पता नहीं दिक्कत कहाँ हो गई, मैंने वीडियो तो बनाई थी लेकिन पता नहीं कहाँ डिलीट हुई, या तो मैंने शायद किसी से डिलीट हो गई होगी, किसी को अगर मैंने फ़ोन दिया होगा तो पता नहीं। मैंने दो तीन वीडियोस और बनाई थी बट कोई नहीं, आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं सब कुछ बता दूंगा कि थाई में कौन कौन सा बेसिक वर्कआउट होता है जो अभी बिगनर या इंटरमीडिएट स्टेज पर आप लोग कर सकते हो। सो अभी के लिए तो ज़्यादा तो वीडियो तो मेरे पास नहीं है, बट हाँ बहुत जल्दी आप लोगों को नए वीडियो में मिलूंगा। बट हाँ ये जो एक्सरसाइजेज हैं और जो पहले जो मैंने थाई वर्कआउट की एक्सरसाइजेज बताई थी उनको ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर पसंद आए।